तो इस गुरुद्वारे में मैं रात को आके रुका था। तो गुरुद्वारे से सत श्री अकाल और नमस्कार करता हूँ आप लोगों को जो मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। मैं एक लोग एक बात बता दूँ आप लोगों को, मेरी एक सीरीज चली है जो मैंने कल ही स्टार्ट की है, कश्मीर टू कन्याकुमारी। पर अभी मैं जम्मू में हूँ और मैं कल हरियाणा से निकला था और सीधा जम्मू पहुँचा था अपने घर से, और आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और सीधा कश्मीर में श्रीनगर लाल चौक पर पहुँचूँगा, वहाँ स्टे करूँगा कल से। फिर कल से मेरी कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो घर से हो चुकी है पर मैं मानता हूँ कश्मीर टू कन्याकुमारी में कश्मीर से शुरू होनी चाहिए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लठवाल राइडर और सारे नु प्यार भरी नमस्कार। तो चलता हूँ दोस्त, आज बहुत लंबा सफ़र करना, बहुत लंबा तो नहीं है, खैर अभी अभी 7 बजे है मेरे ख्याल से सुबह सुबह की, आप लोगों को पूरी रोशनी भी नहीं दिखाई देती। ये देखो गुरुद्वारा मैं रुका हूँ, यहाँ पे बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। यहाँ पे रात को, जैसा कि किसी भाई ने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिएगा कि गुरुद्वारा कैसे आया। मैं बताया था मैंने कल रात को कि होटल लिया था लेकिन वहाँ पे अनसिक्योर फील हुआ मुझे, तो फिर मैं वहाँ से आ गया। तो अभी जल्दी जल्दी पैकिंग करता हूँ, फ्रेश व्रेश मैं हो लिया हूँ और निकलते हैं जल्दी से डर की तरफ, घर की तरफ नहीं डर बोला है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो सामान हो गया अपना पूरा फिट। आज मैंने पता क्या किया, ये झंडा है ना, झंडे के लिए ना मैंने अलग से ये पाइप लगाया हुआ था पर मैंने इसको निकाल दिया। निकालने का रीज़न बताता हूँ, ये दिख रहा आपको, ये पूरा इस तरीके से ना फट गया है। मुझे अच्छा नहीं लगता फटा हुआ झंडा लगाना, अब मुझे अगर रास्ते में मिल गया तो ठीक है, वरना मैं वापस इधर ही आके कल फिर दूसरा नया झंडा लेके फिर लगाऊंगा इसमें। फिलहाल मैं निकलता हूँ। ओहो हो, मैंने चेन को लूप नहीं किया और बाइक मेरे ख्याल से 500-600 किलोमीटर तो कल में चल पड़ी। पहले मैं बाइक इसको चेन को लूप कर लेता हूँ। मुझे चेन लूप तो मिल गया लेकिन ना उसमें ना एक पाइप होती है जो उस बोतल में लगा के ना चेन पे लगाते हैं, वो पाइप पता नहीं कहाँ गुम हो गई। सुबह सुबह मुड़ कर अब कोई बात नहीं, अब नया लेना पड़ेगा दुकान से। जय बजरंग बली उतर जा भाई। तो आज की राइड शुरू करता हूँ महादेव के नाम के साथ, जय भोलेनाथ देना मेरा साथ। बहुत बड़ा गुरुद्वारा, बहुत बड़ा। आज मुझे श्रीनगर तक पहुँचना है, वैसे तो मैं इजीली पहुंच जाऊंगा पर पहुंचना है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं ना रास्ते में बैठ बैठ के रील बनाने लग जाता हूं इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम आईडी मेरी सेम है लठवाल राइडर, तो मैं उसके लिए ना रीलें बनाने शुरू कर देता हूं, फिर वहां पे ना टाइम ख़राब हो जाता काफ़ी सारा। अब रास्ता का मैप लगाऊँ या क्या करूँ, पूछ लेता हूँ किसी से क्यों सुबह सुबह मैप लगाया। अंकल जम्मू श्रीनगर हाईवे कहाँ है, आपने कहाँ जाना है? मेरे को श्रीनगर जाना है। इससे सीधा मेन रोड पकड़ लो। ऐसे ऐसे यार जी, ठीक है ना जी, एक ही रोड मिलेगा सीधा। ठीक है सर, थैंक यू। पीछे कोई यहाँ से पार जाके ना, एक ही रोड सीधा। थैंक यू सर। चलो जय भोलेनाथ। मैंने ना सुबह से ही ना ये मोटे वाले ग्लव्स पहन लिए क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ठंड मिलने वाली है। पहाड़ों में चल रहा और भयंकर वाली ठंड है, भयंकर वाली। श्रीनगर 286 किलोमीटर, 286। अभी मैं जो बाईपास है ना उस पर जाके आगे कनेक्ट हो जाऊँगा। ये जितना सिटी में अंदर जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये हो गया मैं मेन श्रीनगर हाईवे से अभी कनेक्ट। अब खींचते हैं श्रीनगर 241 किलोमीटर। मेरे को ना भयंकर वाली ठंड लग रही है, मतलब देख लो इतने मोटे ग्लव्स पहनने के बावजूद भी मतलब सुन्न होगी उंगलियां मेरी। मैं कहीं तो बाइक को रोकता हूँ वहाँ पे ना, थोड़ा सा फिजिकली वार्म अप करता हूँ, ऐसे घुसन घुसन घुस करता हूँ, तब जाके थोड़ा सा मतलब गर्म हो जाए बॉडी मेरी। क्या हो गया, अच्छा टोल आ गया, टोल आ गया भाई। जे एंड के और श्रीनगर हाईवे पे पहला टोल है ये। खैर अपना तो लगता नहीं बाइक है, एक बात है अगर बाइक का भी टोल लगने लग जाता मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी कैसे होती फिर तो वही बात हो जाती। चीज़ बढ़िया है लेकिन इसको अच्छे कौन से असली वाले अमीर अफोर्ड कर पाते तो मैं तो कश्मीर टू कन्याकुमारी नहीं होती, कश्मीर टू हरियाणा ही होती, क्योंकि इतने टोल 6-7 टोल तो हरियाणा तक ही हो जाते हैं अगर बाइक का लगता तो। फन है, मजाक है। अभी यहाँ रोक के ना मैं थोड़ा सा ना अपने आप को वार्म अप करता हूँ, यार मुझे ठंड लग रही है बड़ी जबरदस्त वाली, बड़ी गर्म हो जाए।
बीमार ना हो जाऊं, और वैसे भी जुकाम हो गया है। धूप में मिल गई जगह, यहाँ वार्म अप करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो सीधी धूप आ रही है, मजा आ गया। मन लग रही थी 5-10 मिनट में ब्रेक लेऊंगा आराम से, उंगलियां सुन्न हो चुकी है मेरी, बड़ी ठंड है यार, बड़ी मजे वाली। जय माता वैष्णो देवी, कटरा का बोर्ड के पास आके रुका हूं, थोड़ी देर यहाँ सुस्ता ही लेते हैं आराम से, बहुत ठंड है बहुत। देखो धुआं निकल रहा है, ये नज़ारे देख लो गाइस, कितनी सुंदर, मतलब पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, नेचर है, फुल एंजॉय नेचर के। कश्मीर टू कन्याकुमारी में ऐसे नज़ारे बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत देखने को मिलेंगे मुझे, पर कश्मीर के नहीं मिलेंगे, आगे मिलेंगे पर ये खूबसूरती नहीं मिल सकती। उधमपुर निकल गया है, उधमपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर आ गया मैं, लेकिन ना मेरे टाइप का मुझे ढाबा नहीं दिखाई दे रहा, एक दिखा है ये, पर इस पर कुछ साफ सफाई सी नज़र नहीं आ रही। खैर पेट तो भरना ही पड़ेगा, कर लेते हैं कुछ नाश्ता वगैरह। मेरे को ना एक पीछे ढाबा दिखाया है, वहां जाता हूँ। एक ये नहीं, एक सामने इधर लिखा हुआ है शुद्ध पूजा वैष्णो ढाबा, यहाँ शायद कुछ ठीक ठाक खाना मिल जाए, लेकिन ठंडी भाई ठंडी बहुत है यहाँ पे, तो धूप ही नहीं है। कोई बात नहीं, खाना खाऊंगा, गर्म हो जाऊंगा। खाने में क्या होगा? दाल है, राजमा है, सूखी सब्जी मिक्स है, और रोटी, रोटी है, चावल है। अच्छा कैसे दिए? क्या हो गया? दाल, दाल रोटी खाना है। हाँ 80 रुपए की दाल है, 10 रुपए की रोटी है। अच्छा प्लेट वाला सिस्टम नहीं होता यहाँ पे? वो सिंगल थाली में लगता है। और पराठा, पराठा मिल जाएगा आपको? कौन सा? आलू का मिल जाएगा, आलू प्याज का मिल जाएगा, पनीर का मिल जाएगा। क्या रेट है वो आलू प्याज का? पराठा सब्जी दें साथ में मिल जाएगा। करारा कर देना पराठा, एक पराठा दे दो आलू का। हाँ जी आलू प्याज का। भाई साहब क्या जबरदस्त वाला पराठा बना दिया, बिल्कुल करारा कर दिया, दाल दे दी और दही दे दी। बाइक के सामने बैठ के खा लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा गर्मा गर्म माल खाने में। एक नंबर पराठा बना है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखो कैसे माल भरा हुआ है इसके अंदर, और राजमा की दाल है, मैं तो पूरा लपेट के खा रहा है, दिल तो कर रहा है एक और खा लूँ पर हैवी ना हो जाए। और ये दही, दाल और दही का मिश्रण हो गया। अभी ना मैं अपना वही निकाल ली कल वाली, टोटल हिसाब रखना पड़ेगा ना किस दिन कितना लगा, कल 100 रुपये दिए थे वो लिख लेता हूँ, 100 रुपये की पर्ची कटाई थी, क्योंकि मैं एक एक रुपया लिखना चाहता हूँ कि टोटल मेरा कितना खर्च हुआ है। तो 100 रुपये का हो गया गुरुद्वारा। अच्छा भाई अब डेट आ गई आज की, आज कितनी तारीख है? 18/12/22। आज क्या हुआ, आज पहली बार ही रुका हूँ यहाँ पे, और 75 रुपये लगे मेरे पराठे के और चाय के, चाय भी ली थी मैंने, तो 75 हो गया मेरा चाय पराठा। 18/12 में चाय पराठा 75 रुपये नोट कर लिए। अब चलता हूँ, एक एक रुपये का हिसाब रखूँगा कितना खर्च हो रहा है। ये दूसरा टोल आ गया जम्मू कश्मीर हाईवे पे, सेकंड टोल आ गया, मेरा तो लगना नहीं। बाकी इसके बाद ना टोल के बाद टनल आ रही है, टनल का नाम शायद चेनानी टनल है, वो आएगी इसके बाद। ये दिख रही है सामने से, हाँ चेनानी टनल है, मेरे को दिखी, वो लिखा हुआ है चेनानी नशरी टनल, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दूर से साफ नहीं दिखाई दे रहा पर टनल आ गई, ये देखो। और ये मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक सही हूँ 8.5 या 9 किलोमीटर के लगभग टनल है, ये कितनी है 92.7, 9 किलोमीटर के अप्रोक्स है। ये लो जी घुस गए टनल के अंदर, अरे वाह यहाँ तो कुछ मतलब गर्मी सी लगी, गरम गरम महसूस हुआ। लगभग 6 से 7 मिनट टनल के अंदर रहने के बाद अब बाहर निकला हूँ, और बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवा, बाइक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी जितनी लिमिट है,
फिर ठंडक में आ गया, अंदर मजा आ रहा था, गरम गरम हवा मिल रही थी। तो ये थी चेनानी टनल, इसको कर लिया क्रॉस। ये सामने पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, ये देख रहे हो, यहाँ ना गिर जाए, उधर से पत्थर गिर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है इनमें, बड़ा पत्थर भी आ सकता है इनमें गिर के। वो देखो पीछे गाड़ियां कितनी पीछे रुक गई। जय भोलेनाथ। निकल गया, नीचे देखना क्या तगड़े वाला नजारा है, बिल्कुल साफ क्लियर क्रिस्टल पानी यहाँ से दिखाई देगा। वो देखो दिख गया, खतरनाक वाला सीन हो सकता है भाई, कुछ भी होएगा बादो। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये पिछले 2-3 साल से चला हुआ है। मैं कब लद्दाख गया था, 2019 में गया, 20 में गया और 21 में गया, तब भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है भाई साहब, बहुत गहरा है। बैठे बैठे ऐसा हो गया पिछवाड़ा दर्द हो रहा है। कितने लगातार मैंने मेरे ख्याल से 1.5 घंटा चला दी। ऊपर देखना कैसे कैसे पहाड़ है, पीछे तो एक मकान देखा उसके नीचे पहाड़ ही नहीं, बेचारा आधा टूट के नीचे गिर गया वो। थोड़ी देर यहाँ पे ना रेस्ट करता हूँ, थक गया यार, बाइक चला चला के। ये जो पुल दिखाई दे रहे हैं ना, ये बन रहे हैं ट्रेन के लिए, यहाँ कश्मीर तक ट्रेन आएगी श्रीनगर तक। चाचा आप यहीं पे रहते हो? हाँ। ये मुर्गा है, मुर्गी मुर्गी है, इसका क्या करोगे? बेच देना है। बेचोगे? अभी लेके जा रहे हो बेचने? हाँ। कितने रुपए की बिकेगी? 100 रुपए की। 100 रुपए की है। सारा मुर्गी 100 रुपए की? बस नहीं, 1000 की। 1000 की? 3 kg है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन मैं 1 घंटे के करीब बैठ गया। वो सामने जो बंदे बैठे हैं ना, वहाँ पे वो खाट है, चारपाई बोलते हैं जिसको, मैं थोड़ी देर वहाँ सुस्ता लिया लेट के, 1 घंटे के करीब रेस्ट हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लंबी राइड है मेरी, 2 महीने के तकरीबन की राइड है, और एकदम से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, रेस्ट करते करते चलना है। काफ़ी हो जाएगा जम्मू से श्रीनगर, छोटा भी नहीं है। बहुत खतरनाक रास्ता है, श्रीनगर सिग्नल दिखा रहा है इधर। अब मैं उस हाईवे पर चढ़ चुका हूं जहां गाड़ी ना बाइक गोली गिरफ्तार से चलेगी मतलब भागेगी। पहले ये यहाँ से आता था रास्ता, अब इन्होंने बाईपास बना दिया और मस्त वाला बना दिया। अब आप देखो, अब कहीं नहीं मुड़ना, ये रोड सीधा श्रीनगर और मक्खन रोड आ गया, मक्खन, धूल मिट्टी सारा डस्ट वस्ट सब खत्म। जिस टोल की बात कर रहा था ये है वो टोल, जम्मू से श्रीनगर हाईवे पे तीसरा टोल है ये, एक और आएगा लास्ट में, जैसे हम श्रीनगर में एंट्री करने वाले होंगे उससे तकरीबन ऐसा ही होगा 50 किलोमीटर पहले वो लास्ट टोल होगा। लेकिन हक बनता है टोल का, क्योंकि रोड बड़ा मक्खन बना दिया इन्होंने। और ये आ गई वो टनल, जैसे टोल क्रॉस किया ये 10 किलोमीटर के करीब है टनल। अब पूरी तो मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे 50 किलोमीटर पर कोई रखता नहीं है 50 की। देखो अब ऐसे 60 की लिमिट पे पहुंच चुकी है गाड़ियां। वेलकम टू कश्मीर ओ बॉय।
मैंने जैसा बोला था सेम वैसा ही है। आप सामने देखो बिल्कुल फोग फोग दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, बिल्कुल धुंध, एकदम से मौसम चेंज कर गया। सिर्फ ये टनल पार की है, टनल 10 किलोमीटर लंबी है। इस तरफ आते ही कुछ सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ। कम से कम ज्यादा नहीं बोलता तो मैं 10 के करीब टेम्परेचर डाउन मार गया पीछे से, टनल से पीछे से इतनी ठंड लग रही है एकदम से, मतलब बिल्कुल चिल्ड हवा जो जैसे एसी के अंदर घुसा दिया हो। ये क्यों रोके हुए हैं भाई सारी गाड़ियों को? पता नहीं उसको जाने दिया। या तो कानवाई आती होगी, हाँ यही रीज़न होगा। जब आर्मी की कानवाई आती है ना, कानवाई मीन्स मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ जब आर्मी की एक साथ हो जाती है ना, तो एक साइड से रास्ता बंद कर देते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। ऐसे नज़ारे शायद आप लोगों ने पिक्चर में ही देखे होंगे। देखो सूखे सूखे ये पेड़, सूखे अभी सूखे हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, और गर्मियों में यहाँ पर पूरी हरियाली होती है। कहाँ से है भाई रास्ता? अब इसने तो ऊपर चढ़ा दिया। उधर से है तो वो ऊपर क्यों ले गया पता नहीं। जम्मू श्रीनगर हाईवे का ये लास्ट टोल आ गया। कहाँ से जाएगी बाइक? इन्होंने यहाँ से तो बंद कर रखा है। बाइक का भी होगा कुछ जाने का। ए बिरादर, श्रीनगर आ गया 10 किलोमीटर का बोर्ड दिखा रहा। अब आप लोगों को झटका दिखाता हूँ। ये जो बंदे खड़े हैं ना सामने, देखने बाइक वालों को या गाड़ियों वालों को ऐसे रोकते जबरदस्ती। ये देखो उनका पता था मुझे। देखा, क्योंकि मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ इसलिए मुझे पता है ये लोग क्या करते हैं। ये है श्रीनगर का लाल चौक, यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं और कल यहीं से मुझे शुरू करना है। अभी मैं इसके नज़दीक में ही रूम लेने वाला हूँ। पर भीड़ बहुत है यहाँ तो भाई, कोई बात नहीं। हाँ जी केदा सारे, टाइम शाम के 4:30 के करीब हुआ है। मैं जैसे ही वहाँ से लाल चौक से अपना रूम में आया, होटल लिया मैंने, और आते इतना गर्म पानी किया मैंने, इतना गर्म पानी किया मतलब एक बार तो डालने में भी दिक्कत हो रही थी, पर मज़ा आ गया नहा के, फ्रेश हो गया। कल सुबह मैं 7 या 8 बजे निकलूँगा और मैं इस टाइम ठंडी में ना नहाया नहीं जाएगा था जल्दी जल्दी। अब थोड़ा सा बाहर जाके देखता हूँ क्या सीन है। लाल चौक दिखाता हूँ आप लोगों को और कुछ खाने का ले आता हूँ, फिर डाटा वाटा ट्रांसफ़र करूँगा, एडिटिंग करूँगा। बड़ा लंबे सफ़र किए हैं, ठीक है। ये है लाल चौक, ये देखो लाल चौक ऐसी मार्केट है। मैं जा रहा हूँ कुछ खाने का लेने, खाने का मीन्स भूख लग रही है। मैं खाना वाना अपना खा पी के ना फिर घुस जाता हूँ। यहाँ पर तो जैकेटें बिक रही हैं। ये कुछ मार्केटें लगी हुई है यहाँ पे। जैकेटें ही जैकेटें। तो मेरे को यहाँ मेरे टाइप का खाना नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, 3 पैकेट मैगी, 2 नमकीन और 2 पैकेट ये वाले अमूल के दूध के ले लिए। ये जाके बना लूँगा, मेरे पास है ना वो सिस्टम, केतली लाइट बिजली में लगाऊंगा और गप 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 बन जाएगा। अच्छा गाइस, व्लॉग का एंड करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया व्लॉग। और मैं जाके ना खाना वाना बना के डाटा वाटा ट्रांसफ़र करूँगा। कल आप लोगों को वीडियो भी तो चाहिए, डेली वीडियो आएगी, डेली व्लॉग आएगा। अगर मैं टाइम से उठ गया ना तो डेली व्लॉग डेली डालूंगा, डेली डालूंगा मतलब तकरीबन 50-60
के करीब व्लॉग डेली आ जाएंगे आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आ रहा हो, सीरीज़ मेरी अच्छी लगेगी आप लोगों को। कल से शुरू हो रही है कश्मीर टू कन्याकुमारी, बने रहना। तो मिलता हूँ कल आप लोगों को लाल चौक पे, ये देखिए सामने मेरे पीछे, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो व्लॉग ज़रूर देखना आप लोगों को, कश्मीर टू कन्याकुमारी मेरी पूरी सीरीज़ देखनी है, प्यार देना पूरा। आपके लिए ही मैं इतनी दूर आया हूँ और बहुत पैसा खर्च होने वाला है, कोई बात नहीं खैर, लेकिन आप लोगों ने प्यार दिया तो कोई इश्यू नहीं है, चलता रहेगा। अब चलता हूँ और सो जाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं कल, जय हिंद।